सो वेलकम फ्रेंड, दिस इज़ आशीष महंत और आप देख रहे हैं एडीएम ब्लॉगिंग। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सतरिंगा टू दिस प्लेस, जो कि कोरबा से करीबन 35 किलोमीटर दूर है। और फ्रेंड, सतरिंगा को कोरबा फ्रेंड छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है आप यहाँ देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम सतरिंगा के हेलीपैड प्लेस के पास, और यहाँ से आप जो व्यू देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। और यहाँ जो पीछे में देखिए जो माउंटेन है, यहाँ बहुत ही प्यारा है। और सो फ्रेंड्स, अब जब यहाँ सतरिंगा है और रुकना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ रिजॉर्ट भी बनाया गया है, जहाँ आप रुक सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ का रिजॉर्ट, और आपको दिखाते हैं यहाँ कैंटीन भी है, खाने पीने की फैसिलिटी। सो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ सतरिंगा हैं तो यहाँ देख सकते हैं कैंटीन की फैसिलिटी है। आप जब कुछ भी खाना चाहते हैं, स्नैक्स वगैरह। और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो रिसॉर्ट है उसका, तो चलिए दिखाते हैं आपको और कोशिश करते हैं कि यहाँ की पूरी जानकारी आपको देते रहें। तो बने रहे वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं सतरिंगा टूरिस्ट प्लेस। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जब यहाँ इंटर करेंगे तो आपको ये जो पार्क है, अंदर में रिसॉर्ट भी है, वहाँ पे एंट्री चार्जेस 20 रुपीज़ देनी पड़ेगी पर पर्सन। तो चलिए देखते हैं अंदर में आपका पार्क कैसा है। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपने भैया ससान भैया के साथ, और जो कि ये रहे। तो ससान भैया, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो गया है प्लेस। लास्ट टाइम मैं 3-4 साल पहले यहाँ आया था, तब ये सब बिल्कुल नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है प्लेस में, अच्छे अच्छे बन चुके हैं यहाँ पे घूमने के लिए। देख रहा हूँ बहुत काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, तो प्रोग्रेस में है कोरबा और सतरिंगा। थैंक यू। और साथ साथ आज के हमारे जो कैमरा मैन हूँ, नीलेश साहू जी हैं। तो नीलेश, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के हमको। सो फ्रेंड्स, अभी हमने रिजॉर्ट के बारे में यहाँ सिक्योरिटी भैया से परमिशन ले लिया है, तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या ये रिजॉर्ट कैसा है, कैसी फैसिलिटी है अंदर रूम में, और कितने चार्जेस लगता है, आपको डिटेल बताते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं यहाँ का जो हॉल है बहुत ही शानदार, यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ एसी भी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वाओ फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी अच्छे से यहाँ की व्यवस्था, जो फैसिलिटी है बहुत ही अच्छी है। साथ साथ यहाँ टीवी की फैसिलिटी भी है, और देखो फ्रेंड्स यहाँ भी एसी लगी है। सो फ्रेंड्स, ये रहा डबल बेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ बेडरूम बहुत ही शानदार है, यहाँ पास आप टेबल भी है जहाँ बैठ के अपना कार्य कर सकते हैं, जो भी वर्क। और ये रहा आपका डाइनिंग टेबल। सो फ्रेंड्स, यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ बनाया गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं रिजॉर्ट सतरिंगा रिजॉर्ट के केयरटेकर भैया के साथ, तो चलिए इनसे पूछते हैं, इनसे थोड़ी बातें करते हैं यहाँ के बारे में। तो भैया, आपका शुभ नाम क्या है? निकेश कुमार सर। ओके, सो भैया, आप यहाँ क्या काम करते हैं? क्लीनिंग पूरा ही देखता हूँ मैनेजमेंट। ओके ओके भैया, तो यहाँ भैया जो टूरिस्ट आते हैं, कितने मात्रा में यहाँ आते हैं टूरिस्ट बाहर से? अभी
की डेट में सैटरडे संडे 10,000 के आसपास। कि सो फ्रेंड्स बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं अपनी पिकनिक एंजॉय करने, सॉरी हर्डल एंजॉय करने। तो भैया एक बार हम पूछते हैं कि यहाँ का कितने चार्जेस लगते हैं अगर आप रिजॉर्ट में रुकना चाहे तो? रिजॉर्ट का है जो सूट रूम है उसका 5,000 है। ओके। और डिलक्स रूम का 2,500 है। ओके। इसमें 2% के अलाउड है। ओके। एक्स्ट्रा पेड बेड का फिर एक्स्ट्रा चार्ज है। ओके। सो भैया यहाँ की फूड फैसिलिटी कैसी है? अगर यहाँ कुछ खाना पीना चाहेगा अवेलेबल है ना हर चीज़? यहाँ मतलब कुछ भी जो ऑर्डर करें तो हम मिल जाएगा यहाँ? ओके ओके थैंक यू। सो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे और डिस्क्रिप्शन में आपको ये भैया का नंबर मिल जाएगा, तो आप यहाँ जब आना चाहते हैं तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यहाँ आके वैसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यहाँ रूम बुक कर सकते हैं और अपना हॉलीडे अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो भैया के यहाँ जो बोटिंग फैसिलिटी है वो कैसी है? अच्छा। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो बोटिंग फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत अब देखेंगे आपको दिखाने वाले हैं बोटिंग फैसिलिटी। वापस जाती है उनका बोटिंग नहीं हो पाता, इतना भीड़ हो जाता है। ओके फ्रेंड्स तो देखिए बोटिंग फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का बोटिंग फैसिलिटी। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अब जब यहाँ आने वाले हैं तो भैया से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यहाँ का रिजॉर्ट बुक कर लीजिए और यहाँ की फूड फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, तो जरूर आइए और अपना हॉलीडे इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये है सतरंगा का ओपन थिएटर जो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है और जहाँ का पेंटिंग है कलर। सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यूज है बहुत ही प्यारा है और देखिए काफी लोग यहाँ अपना हॉलीडे एंजॉय करने आए हैं अपनी फैमिली के साथ। सो फ्रेंड्स जब यहाँ आप बोटिंग करने आएंगे तो ये रहा आपका टिकट काउंटर जो पार्क के अंदर पड़ता है और यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बोटिंग प्राइस कैसे कैसे है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ देख ही सकते हैं यहाँ पर लिखा है बुका सतरंगा जल विहार और तो आपको साइड में दिख रहा है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ जो बोट करके बोटिंग में जाएंगे वहाँ और वहाँ आप खाना खा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है काफ़ी सुंदर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ की पब्लिक से पूछते हैं कि यहाँ कहाँ से हैं और ये क्या करने हैं यहाँ, तो आप कहाँ से हो? हम लोग नेहरू नगर बालको से। अच्छा नेहरू नगर बालको से, और यहाँ क्या करने हो? हम लोग एंजॉय हॉलीडे एंजॉय करने हैं। ओके ओके, तो आपको यहाँ इससे पहले आप यहाँ आ चुके हो सतरंगा में? हाँ। अच्छा तो आपको सतरंगा कैसा लगता है यहाँ? बहुत मजा। पहले हम छोटे थे तब आए थे तब ये सब नहीं बना था और अभी आए हैं तो फिर सब कुछ बन गया है। तो एक बार बोल दीजिए सब जरूर आइए बोल के यहाँ। यहाँ जगह बहुत मस्त है, आप आइए एंजॉय कीजिए। शुभ नाम बताइए। आशुतोष दुबे। आप कहाँ से हैं? प्रज्ञा तिवारी। आप कहाँ से हैं? हम लोग जांजगीर से आए हैं। आप सुबह आपको यहाँ के कैसा लगा? काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी टूरिस्ट जगह है, काफ़ी आकर्षक क्षेत्र है यहाँ पे। यहाँ का वाटर का देख के काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि समुद्र एरिया है छत्तीसगढ़ में कहीं हम लोग को मिल गया। इसका मिनी गोवा भी कहा जाता है यहाँ का। अच्छा जी जी जी। तो भी आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो व्यूअर जो देख रहे हैं हमारे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम किया हुआ है और ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, वोटिंग का लुत्फ़ लेना चाहिए। बिल्कुल जो भी समय मिलता है खाली समय आता है वहाँ पे ज़रूर अपने फैमिली वालों को लेके आना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे आना। सो थैंक यू सो मच भैया। और मैम सो फ्रेंड्स आज का लोग यहीं तक रहा और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताइए कि अभी तक अभी अपने यहाँ आया है कि नहीं, तो और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और
बताइए कि वीडियो में आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा। थैंक यू।